नमस्कार, नेक्स्ट नाइन न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ तनुज। देखिए, लोकसभा चुनाव 2024 का महासंग्राम चल रहा है। 6 चरण के मतदान जो हैं वो संपन्न हो चुके हैं। आखिरी चरण के मतदान अब 1 जून को होने वाले हैं। लेकिन आखिरी चरण के मतदान से पहले उत्तर प्रदेश की सियासत में कुछ गड़बड़ी हो सकती है। बातें निकलकर सामने आ रही है कि BSP पार्टी की मुखिया जो मायावती है, उन्होंने जो अपने भतीजे आकाश आनंद के खिलाफ एक्शन लिया था और उनसे पार्टी का जो पद था, जो उन्हें उत्तराधिकारी बनाया गया था, वो छीन लिया गया था, अब वो उन्हें एक बार फिर से वो पद वापस करती नजर आ सकती है। दरअसल पार्टी के जो कार्यकर्ता हैं, वो पार्टी की जो चीफ है मायावती, उनसे नाराज नजर आ रहे हैं और पार्टी भी छोड़ रहे हैं। काफी सारे कार्यकर्ताओं ने BSP का साथ छोड़कर कांग्रेस का दामन थाम लिया, तो वहीं काफी सारे कार्यकर्ताओं ने पार्टी का साथ छोड़ दिया है। हालांकि दूसरी पार्टी में भी शामिल नहीं हुए हैं। बात निकलकर सामने आ रही है कि आकाश आनंद से जब से उनका पद छीना गया है, इस बात को लेकर पार्टी के काफी सारे कार्यकर्ता नाराज हैं। अब ऐसे में मायावती की एक मजबूरी बनती नजर आ रही है कि अगर उन्होंने आकाश आनंद को उनका पद वापस नहीं लौटाया, तो एक दिन ये BSP पार्टी जो है वो पूरी तरह से बिखरती हुई नजर आएगी। खैर, देखिए, इस बात में कोई दोहराई नहीं है कि आकाश आनंद ने BSP पार्टी को दोबारा से उठाने की कोशिश करी थी, क्योंकि आप सभी जानते हैं कि मायावती जो है अब वो बहुत ज्यादा दिलचस्पी यहाँ पर राजनीति में रखती हुई नजर नहीं आती है। जिस तरह से आपने देखा होगा, चुनाव प्रचार भी अगर वो करती हैं तो सिर्फ एक दिन में एक शहर में जाकर चुनाव प्रचार करती हैं। बहुत ज्यादा एक्टिव यहाँ पर नजर नहीं आ रही हैं, लेकिन जब आकाश आनंद थे तब वो बहुत ज्यादा एक्टिव नजर आए थे। जैसा कि आप सभी को पता है, आकाश आनंद को अपने बयानों के चलते इतनी बड़ी जो कुर्बानी देनी पड़ी, क्योंकि उनसे पद छीन लिया गया। दरअसल आकाश आनंद ने भारतीय जनता पार्टी को लेकर एक विवादित बयान दे दिया था। आकाश आनंद ने BJP पार्टी को लेकर कहा था कि ये पार्टी आतंकवादियों की सरकार है। ऐसे में उनकी उसके बाद BSP पार्टी ने उनके खिलाफ तगड़ा एक्शन लिया और उनसे उनका पद छीन लिया। उसके बावजूद भी आकाश आनंद कुछ भी कहते हुए नजर नहीं आए, पार्टी के साथ कोई बगावत नहीं। खैर, आपको क्या कुछ लगता है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए। क्या मायावती आकाश आनंद को उनका पद लौटाने पर मजबूर होंगी या फिर नहीं? अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया, हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।